छोटी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कमल मंदिर का ब्लॉग होगा, यहाँ पर देखिए कितनी लंबी लाइन लगती है कमल मंदिर के लिए। अगर आप आना चाहते हैं कमल मंदिर तो शनिवार को मत आइए, उसके अलावा कभी भी आइए, थोड़ी कम भीड़ मिले, वरना 10,000 लोग तो डेली ही इस मंदिर में आते हैं। वास्तुकला का एक मशहूर एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर अंदर की तरफ आप आएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, और तो मैं इसके साथ रोचक बातें भी आपको कमल मंदिर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले व्यू देखिए, फिर बात करें। तो आपको बता दूं कमल मंदिर के अंदर यहाँ पर एंट्री मारते तो आप खाना वाना यहाँ पर नहीं ले जा सकते, और टिकट भी बिल्कुल फ्री है। तो आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको कुछ व्यू इस तरीके का दिखेगा, लोग घूमते हुए दिखेंगे। और जो ये क्षेत्रफल है इसका, मंदिर का कॉरिडोर है जहाँ पर इतना बड़ा है, तो ये 26 एकड़ में फैला हुआ जगह है। 26 एकड़ में इसे बनाया गया है, मतलब ये कॉरिडोर है, आगे बगीचा है, फिर उसके बाद कमल मंदिर है ऊपर की तरफ, आप पूरा घूम सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पर जो ये सामने आपको दिख रहा है, ये बाही धर्म का सूचना केंद्र है, मतलब आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी ये कौन सा धर्म है। ये बाही धर्म कहा जाता है, ये एक ही अलग धर्म है जो ये कहता है कि सभी धर्म एक समान है, मतलब एक ही है, और आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं मिलेगी, कुछ भी आपको देखने का नहीं मिलेगा, और यहाँ पर कोई भी उपासना या पूजा पाठ नहीं होता है, यहाँ पर आप ध्यान कर सकते हो। इसके अंदर एक हॉल बना है जिसमें 25,000 लोग आते बैठ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसका निर्माण के बारे में बताऊँ तो इसका निर्माण हुआ था 1986 में, 1987 1 जनवरी 1987 से ये आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसे 20वीं शताब्दी का ताजमहल भी माना जाता है। और इसमें आपको बता दो कि 9-9 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। 9 का मतलब, 9 एक भारी नंबर है, 9 का मतलब है कि 9 दरवाजे मिलेंगे, 9 कॉर्नर मिलेंगे, और कर रहा था मैं 9 का मतलब एक 9 बड़ा नंबर है, 9 का जो विस्तारित रूप से एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए 9 दरवाजे आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो सब भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले बताऊँ, ये 26 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र के अंदर आता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 27 पंखड़ियाँ हैं, और यहाँ पर एक बार में जो हॉल है इसके, वो हॉल भी दिखाने वाला हूँ। अभी ऊपर की तरफ चलते हॉल, वहाँ पर लगभग 2,500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो अब इसके बारे में तो डिटेल में बात हो चुकी है, अब बाही धर्म के बारे, बाहुल्लाह के द्वारा इसको बनाया गया था। तो आज इसमें बाहुल्लाह संस्थापक माने जाते हैं, बाही धर्म के जो संस्थापक थे वो बाहुल्लाह थे। उनके द्वारा बताया गया था कि एक ऐसा भी धर्म होता है जिसमें सभी धर्म समान हैं, और इसीलिए यहाँ पर किसी भी धर्म का व्यक्ति आकर पूजा अपना ध्यान कर सकता है, उपासना नहीं होती, कोई भी मूर्ति नहीं है किसी भी प्रकार की। अब कमल मंदिर के बारे में बात करें तो कमल मंदिर के जो नीचे की तरफ है ऐसी 9 पंखड़ियाँ हैं, मतलब संगमरमर की पंखड़ियाँ बनाई गई हैं, 9 3-3 के, मतलब 3 चक्र बनाए गए हैं 9-9 के, तो 9 × 27 पंखड़ियाँ आपको देखने के लिए मिलती है। और व्यू के बारे में बात करें तो बहुत शानदार व्यू मिलता है देखने के लिए, उसके बारे में अब बात करें। और ये जो बात करें, ये पत्तियों का डिजाइन दिया गया है, जैसे कमल की पत्तियाँ, अर्ध खुला हुआ कमल है ये, तो मतलब आधा खुला हुआ कमल कहते हैं जिसे। और यहाँ पर आपको व्यू भी मिलेगा। अब तो डिटेल में हम व्यू की बात करेंगे कि कमल मंदिर कितना प्यारा आपको देखने के लिए मिलता है, व्यू तो बहुत शानदार मिलता है। और 9 दरवाजे आपको मैं बता चुका हूँ कि जित 9 पंखड़ियाँ हैं तो उसके नीचे 9 दरवाजे भी आपको मिलेंगे, और 9 तरफ से एक पत्तियों की तरह तालाबों से घिरा हुआ है, तो इतना बेहतरीन डिजाइन है, इसके लिए ही इसको बहुत मैगजीन ने और 127 मैगजीनों ने, अखबारों ने इसको अपने फ्रंट पेज पे मतलब छापा हुआ है, इसके बारे में डिटेल दी है। तो यह अंदर की तरफ की बात करें तो यहाँ पर एक बार में 2500 लोग बैठ सकते हैं इस बेंचेस पे। तो इसकी छत पे बात करें तो स्टील का उपयोग किया गया, कांच का उपयोग किया गया, क्योंकि नेचुरल धूप आ सके और जो व्यक्ति अंदर बैठे और वो नेचुरलिटी से बिल्कुल मिला के शांति का प्रतीक माना जाता है कमल को, इसलिए इसका कमल का आकृति बनाई गई कि वो शांति का प्रतीक है।
तो ये व्यू देखिए आपको कितना प्यारा व्यू लग रहा होगा देख के। तो यहाँ पर आपको यह है कि इसलिए इसका नाम लोटस क्यों पड़ा है, क्योंकि ये कमल का प्रतीक, कमल का मतलब होता है शांति, शांति का प्रतीक होना, इस वजह से इसे कमल मंदिर कहा जाता है। तो ये देखिए पत्ती का डिजाइन है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पत्ती नजर आएगी, जो नीचे कमल के फूल के नीचे पत्ती रहती है उस टाइप का डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। और एरिया भी खूब बड़ा है, 26 एकड़ में फैला हुआ है, एक कॉरिडोर है ये कमल मंदिर का। तो इतना शानदार व्यू आपको देखने के लिए मिलता है, आप कभी भी दिल्ली में अगर आते हैं तो कमल मंदिर एक बार आपको जरूर विजिट करना चाहिए, बहुत प्यारी जगह है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बाहू धर्म के बारे में भी जानने को मिलेगा बहुत सारे यहाँ, तो यहाँ पर आपको व्यू बहुत शानदार मिलता है। और अगर यहाँ पर लोगों को देखेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं, रोजाना 10,000 लोग आते हैं। विकिपीडिया पे भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, पर विकिपीडिया पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। इसके साथ बताऊं कि इसका जो व्यू है वो बहुत शानदार आता है, तो ये ऐसे में ही 9 पत्तियाँ और फिर इसके ऊपर एक चक्र, ऐसे में एक पत्तियाँ फिर उसके अंदर 3 पत्तियाँ, मतलब इस तरीके 3 चक्र बनाए गए हैं। और 27 पत्तियाँ आपको दिखने को मिलती है संगमरमर की, जो फौरन से मंगाया गया था और उसी से इसे बनाया गया, इसीलिए इसी वजह से संगमरमर के बने ताजमहल भी है, उसी वजह से इसको 20वीं शताब्दी का ताजमहल माना जाता है, इतना खूबसूरत है। और इसको लगभग हर कंट्री ने सम्मानित किया है आर्ट इसके डिजाइन के वजह से। और ये देखेंगे तो आप तालाब जो है ना, तालाब को पत्ती के डिजाइन में बनाया गया है, मैं तो जैसे कमल के पेड़ के नीचे पत्ती रहती है उस तरीके के। और व्यू तो बहुत शानदार मिलता है। और आपको यहाँ पर ये सर्दियों में 9 बजे से 5-7 बजे तक खुला रहता है, और गर्मियों में ये सर्दियों में 9 बजे से 10 बजे से 5 बजे तक, और गर्मियों में 9 बजे से 7 बजे तक। और ये टाइम चेंज भी होता रहता है, आप आए तो यहाँ पर एक बार सर्च मार लेना गूगल पर तो आपको टाइम पता चल जाएगी। और अभी तो फिलहाल में संडे को बंद रहता है, और अगर आप चेक करें तो हफ्ते में 6 दिन तो खुलता है, 1 दिन बंद रहता है। तो यहाँ का व्यू बिल्कुल शानदार है, अगर आप दिल्ली बाहर से घूमने आ रहे तो इसको एक बार जरूर विजिट करें, अगर दिल्ली में रहते हैं अभी तक कमल मंदिर नहीं गए तो एक बार जरूर जाकर देखें, अच्छा व्यू मिलता है। और यहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है, इस वजह से वीडियो बनाने में तकलीफ होती है। देखिए यहाँ पर फोटो खींच रहे, आप रास्ते ही ब्लॉक कर देंगे, छोटा सा रास्ता है अभी ढंग से खुला भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से बंद तो है, मतलब अंदर भी खुला रहता था, एक बार 2500 लोग उसमें बैठ सकते हैं जो हॉल है। और ये देखिए इसका और देखभाल करा जाता है, ये देखिए ब्लॉक कर देना रास्ता, इसी तरीके से लोग फोटो खींचते रहते हैं और यहाँ पर रास्ते ब्लॉक कर। इसका गार्डन भी बहुत प्यारे हैं दोनों तरफ, जिधर ये गार्डन बोल सकते हैं, ये जो कॉरिडोर है इसका बहुत प्यारा दिखता है आपको गार्डन, तो यहाँ पर देखने लायक बनता है। तो यहाँ पर व्यू कितना शानदार आता है। अब यहाँ पर लास्ट ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, वो देखिए उधर भी जा रहा है, उधर से भी रास्ता, मतलब उधर से जाने का है, इधर से बाहर निकलने का रास्ता। तो यहाँ पर देखिए ये रास्ता ब्लॉक हो गया बिल्कुल, अब आदमी निकलेगा कैसे। तो यहाँ पर निकलने के लिए भाई आप ऐसे दिन आइए जो जिस दिन भीड़ कम और टाइमिंग के हिसाब से, मतलब शाम को 4 बजे तक आ रहे तो 12-1 बजे के बाद आए, तो अगर आसपास के एरिया में रहते तो वहाँ से आपको कम भीड़ मिलेगी। आपको ब्लॉगिंग बनानी है, ब्लॉग बनाना है तो आपको टाइमिंग ज़्यादा मिलेगी। और आपको ये बात बताना भूल गया कि यहाँ पर फूल भी बहुत मात्रा में लगाए गए हैं, और जो इसकी खूबसूरत को कई गुना बढ़ा देता है। देखिए गार्डन में फूल कितनी मात्रा में लगाए, और पेड़ों की कटिंग बहुत शानदार तरीके से कही हुई, देखो कटिंग देखो कितनी अच्छे से की गई है। और मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।